चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सैयदना गौसे आजम फरमाते हर चीज की कहानी चल रही है भाई जी। ते मेरे इलाके से काफिला जाने लगा ना कर हज को, कहां ऊंची मियां। माँ के पास आए, अम्मा लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। माँ ने कहा ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। तो मैं जो अम्मा जान आपका हुक्म फरमाते, लेकिन दिल में तड़प थी कि ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। दिल में तड़प थी जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया। अब तो शायद कोई नहीं, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा देखता रहा। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है, लपेटना है। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। खुदा का कसम, खुदा का वास्ता यार। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। कहानी तो कहानी, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। फिल्मी स्टोरी बनाने के लिए बहुत अच्छी। फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फायज हुए। हाय 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 हाय। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। अब कोई नहीं बचेगा अहले बैत का दुश्मन जी, चाहे कोई पुराना है कोई नवा है। यार जब हम बुखारी और मुस्लिम की हदीस की रोशनी में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तलाफ राय रखते हैं अदब के दायरे में, मौरा अली की सपोर्ट में, तो शेख अब्दुल कादर जिलानी तो शेख कोई नहीं।